ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने 28 वर्षीय साहिदा इरफान नामक एक महिला को MD के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंब्रा पुलिस के API मंगेश बोरसे को जानकारी मिली थी कि मुंब्रा देवी सलमान बिल्डिंग में एक महिला MD बिक्री करती है, जिसके बाद इसकी जानकारी ACP रमेश धुमाल, MG मुजावर रामचंद्र वलतकर को दी गई। इन लोगों के मार्गदर्शन में मंगेश बोरसे, विद्या लांडे, दीपक जाधव, विक्रांत पलांडे, साहेबराव सुधाकर, मयूर अर्जुन, राकेश सालुखे ने मुंब्रा देवी पटेल स्कूल के पास सलमान बिल्डिंग की घेराबंदी कर साहिदा इरफान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 197 ग्राम MD मेफेड्रिन पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4,33,400 रुपये बताई जा रही है। कल दिनांक 17/6/19 को सवेरे 7 बजे मुंब्रा पुलिस के पुलिसन के API बोरसे साहब और उनको टीम को जानकारी मिली थी कि एक लेडी मुंब्रा देवी रोड पे MD ड्रग्स लेके आने वाली है। उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक PSI लांडे, PI वड़तकर साहब और बाकी टीम DB टीम ने वहाँ छापा मारा और उसको ताबे में लेने के बाद में वहाँ 197 ग्राम MD ड्रग्स मिला है। उस हिसाब से उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उसको दिनांक 22 तारीख तक PCR मिला है और आगे की जांच जारी है। मुंब्रा पुलिस ने इसी तरह पिछले कुछ दिनों में चरस गांजा भारी मात्रा में बरामद किया है। ऐसे में एक महिला भी नशे की सौदागर जो MD बेचती थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कलम 8 का 22 बा के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।